क्या हम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं? शायद हाँ, क्योंकि ये सब तो जहन्नम के जलाद दिखाई दे रहे हैं। तो हम ऐसे तो गुनहगार न थे कि हमें इस जहन्नम में फेंक दिया जाता। अरे हाँ, लगता है हम कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं। अरे पर एक ही वक्त में दो इंसान एक जैसा ख्वाब कैसे देख सकते हैं, वो भी खुली नजरों से। तब तो ये जरूर कोई हकीकत है। हाँ। हसन, हम खूंखार जंगलियों के चुंगल में फंस चुके हैं। जलालू कहाँ गया? जलालू, जलालू! तुम मेरा पहला इंतकाम और पहला शिकार हो। नहीं, मैं परसों से भूखी हूँ। एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐ जंगलियों, मुझे सजा दी थी, अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। मेरे हाथ से अब कोहे कजा का कोई इंसान नहीं बच सकेगा। मेरे मोहसिन गिरफ्तार कर लिए गए। मैं देखती हूं कि मेरे आखिरी शिकार मेरे मोहसिन अजनबियों के साथ तुम जंगली लोग क्या कर रहे हो। कजा में तुम्हें तुम्हारी कजा खींच लाई है। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं सरदार, रेत के तूफान में हमारा काफिला बर्बाद हो गया और हम अपनी जान बचाकर यहाँ पहुँच गए हैं सरदार। और हमने आकर कोई नुकसान भी नहीं किया, सिर्फ एक एक फल ही तो खाया है। वो फल खाकर तुमने नाकाबिले माफी गुनाह किया है। गुनाह सरदार, ये भूल हमसे अनजाने में हो गई। तुम नहीं जानते तुमने वो फल खाकर गजब किया है, गजब! अरे मौत का पिटारा खोल दिया है तुमने, मौत का पिटारा! मौत का पिटारा? मौत का पिटारा? तुम दोनों ने वो फल खाकर जादूगरनी जिम्बाला को आजाद कर दिया है। हाँ, खूंखार जादूगरनी हमारी जान की दुश्मन है। वो हमें
जिंदा नहीं छोड़ेगी। सरदार, अगर हमारी वजह से जादूगरनी जिम्बाला आजाद हुई है तो वो हमारा एहसान जरूर मानेगी, और उस जिम्बाला से हम आपकी जिंदगी मांग लेंगे। नादान ना समझ दोशीजा, शैतान कभी किसी का एहसान नहीं मानता। वो जादूगरनी तो पक्की शैतान है, ना वो हमें छोड़ेगी ना तुम्हें बख्शेगी। हाँ। मगर सरदार, आप तो हमें छोड़ सकते हैं। हरगिज नहीं, हमारे कबीले का कानून बहुत सख्त है, सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हम पे रहम करो सरदार, इंसाफ करो। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ तो हम जरूर करेंगे। तुम दोनों ने हम सबको मौत के मुंह में ढकेला है, हम भी तुम्हें मौत देंगे। सुराग सोमवार से शुक्रवार। इस भयानक मौत के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम दोनों इस आग में सिर्फ जल जल कर ही नहीं बल्कि तड़प तड़प कर मरोगे। हमें बख्श दो, हमें ऐसी भयानक मौत ना दो। ये भयानक मौत तो वो खौफनाक मौत से अच्छी है, जब तुम उस शैतान जादूगरनी के मुंह का दीवाला बन जाओगे और वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। हम तो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। डर लग रहा है अपनी मौत से? ये डर क्यों? हमें मौत से डर नहीं लगता। हाँ सरदार, हम मौत से नहीं डरते। तुम्हारी ज़बानें लाख झूठ बोले मगर तुम्हारे चेहरे सच सच कह रहे हैं कि तुम अपनी मौत से डर रहे हो। कुछ दिलों डरपोक इंसानों। अरे डरपोक तो तुम हो जो उस कातिल जादूगरनी से डर रहे हो, उससे अपनी जान बचाना चाहते हो पर उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। जादूगरनी और मौत के खौफ से तुम लोगों की गिग्गियां बन जाती हैं, सिट्टियां गुम हो जाती हैं। खामोश हो जा वरना हम तेरी जबान तेरी कुत्ती से खींच लेंगे। तुम बुजदिल डरपोक कुछ नहीं कर सकते। अब देखो हम क्या करते हैं। हसन, वो जरा जंजीरें खोलने की कोशिश करना। हाँ मीना, मैं ये पत्थर इस आग में फेंकूंगा। ये जंगली उस आग से बहुत डरते हैं। शाबाश बहादुरो शाबाश, अपनी जान बचाए रखो मेरे लिए।
ये हम कहाँ आ गए हैं? हम जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। पर वो जंगली हमें यहाँ पर भी ढूंढ लेंगे, हमें कहीं छिपना होगा। वो देखो गुफा, चलो हम लोग वहां चलते हैं। मगर वगर कुछ नहीं, चलो पहले यहां से निकल ले। आओ खुश आमदीद। शिकार खुद चलकर जाल में आ रहा है। श्रीमान श्रीमती सोमवार से शुक्रवार। अजनबी मेहमानों, मेरे मोहसिनों। मोहसिनों? हम तुम्हारे मोहसिन नहीं, हमने तुम पर एहसान नहीं किया। एहसान करके भूल जाना अच्छे इंसानों की फितरत। फैला रखी है मौत की दहशत नहीं, जिंदगी की रौनक कहो। इंसानों की मौत मेरी जिंदगी है। ऐ दरिंदा सिफत आदमखोर, तू इंसान के रूप में है, इंसान बन और इन शैतानी हरकतों से बाज आ। अगर हम ये जानते कि वो अजीबोगरीब फल खाने से एक वहशतनाक और दहशतनाक बला आजाद हो जाएगी जो जो इंसानों की जिंदगी पर पलती है, तो हम खुद भूखे मर जाते। मगर उस फल को हाथ लगाना भी गुनाह अजीम समझते। जिस तरह तुमने भूख से मजबूर होकर वो फल खाया था, उसी तरह मैं भी भूख के हाथों मजबूर होकर इंसानों को चबा और खा जाती हूँ। तुम नहीं जानते नादानो, भूख इंसान को हैवान फिर शैतान बना देती है। मैं तुम लोगों की शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम लोगों की बदौलत आजाद हुई और अब उन जंगलियों को अपना निवाला बनाऊंगी। तुम दोनों पर भी मेरा जी ललचाता है, मगर तुम मेरे मोहसिन हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों जीने की मोहलत और देती हूँ। कोहे गजा के सारे जंगलियों का हश्र देखने के लिए जिंदा रहोगे, ये मेरा वादा है। और फिर जब कोई नहीं बचेगा, तब मैं तुम्हें इस पेट के जहन्नम की आग में झोंक दूंगी। क्या हमारे एहसान का यही सिला है कि हमने तो तेरी जान बचाई, तुझे कैद से रिहाई दिलाई, और तू है कि हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है? जरा सोच, अगर हमारी किस्मत हमें यहाँ नहीं लाती तो तेरी किस्मत फूट जाती और तू इस कैद से कभी नहीं छूटती।
ए बुजुर्ग जादूगरनी, खुदा ने तुझे इंसान बनने की सआदत बख्शी है और तू है कि इंसान से हैवान और हैवान से शैतान बनने पर तुली हुई है। ऐ गुमराह इंसान, तू अपने रास्ते से भटक गई है। मत भूल कि तू एक इंसान है और इंसान केवल अपनी पेट की खातिर नहीं जीता बल्कि दूसरे इंसानों को मारने के बदले दूसरे इंसानों की जिंदगी के लिए अपनी जान की कुर्बानी करता है। अपने अंदर सोए हुए इंसान को बेदार कर और दूसरे इंसानों की कुर्बानी लेना बंद कर, दूसरों के काम आ, फिर तुझे पता चलेगा कि कुर्बानी लेने से नहीं कुर्बानी देने से कितनी बड़ी तस्कीन हासिल होती है। दूसरों के काम आकर देख के इंसानियत क्या चीज है। इंसान के भेष में नेकी के फरिश्तों, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अब मैं अपनी वहशत, अपनी हैवानियत और अपनी शैतानियत के बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगी, कैसे जिंदा रह पाऊंगी। हाँ, इंसान बनकर जीना बहुत मुश्किल है। आदमी अगर इंसान ना हो तो उसका जीना बेकार है। मगर अब मैं इस मुश्किल इम्तिहान में भी कामयाब होंगी, मैं इंसान बनूंगी। मुबारक हो, मुबारक हो ए जादूगरनी खातून, तुझे नई इंसानियत मुबारक हो। हम तुम्हें इंसानों की बरादरी में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों ने मुझे आजाद करके मुझ पर जो एहसान किया है उसके बदले में मैं तुम्हें इस जजीरे से आजाद करके इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। सच? हाँ, कहो कहाँ जाना चाहते हो। मैं मिस्र में काहिरा जाना चाहती हूँ। और मैं बगदाद वापस जाना चाहता हूँ। तुम दोनों अलग अलग मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। आओ मेरे मोहसिनों, इस कालीन पर खड़े हो जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे मोहसिनों। खुदा हाफिज अमीना। खुदा हाफिज। कभी मिस्र आना, एहराम मिस्र की सैर करवाऊंगी। जरूर अमीना।